दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ बड़ी बहू को भी मायके की याद आती होगी, सिर्फ छोटी बहू को ही नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे ही हर बार समझौता करना पड़ता है। जब भी मायके जाने के बाद आती है आप मुझे रोक देती हैं, और जब भी रानी देवरानी को मायके जाना होता है आप झट से मान जाती हैं। क्यों मुझे भी अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा होती है, मेरे इंतज़ार में वह बेसारे महीनों मेरा इंतजार करते हैं। नेहा अपनी सास देवयानी जी से कहती है। देवयानी जी बोली, बड़ी बहू अरे उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए तो उसे माँ बाप की ज़्यादा याद आती होगी, और ये भी तो देखो जब वह लौट कर आती है तो कितने सारे उपहार लेकर आती हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि घर के अमरुद लौकी असार और मसाले उठाकर लाती हैं। अरे पैसे वाले घर की लड़की है, मायके जाती है तो हमारा ही फायदा सोचती हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए पर तुम हो कि नाराज हो जाती हो। निया बोली, मम्मी जी यहाँ भी आप फायदा और नुकसान देख रही हैं हर माँ बाप के लिए कि बेटी से आज विदा हुई हो। यह 11 साल पहले उतने ही व्याकुल होते हैं, ये बात आप नहीं समझेंगे। काश कि ईश्वर ने आपको बेटी दी होती तब आपको ये बात समझ में आती, किसी के माता पिता को दुखी करके कैसे कोई सहन से सोच सकता है। दुखी मन से निया वहाँ से चली गई। पूरा दिन निया दुखी थी। शाम में जब उसके पति मानव दफ्तर से लौट कर आए तो निया को देखकर बोले, तुम तो आज अपने मायके जाने वाली थी, गई क्यों नहीं, सब ठीक तो है। निया ने पूरी बात बताई। मानव बोला, तुम दुखी मत हो, मैं माँ से बात करूँगा। जिस माँ को बेटी नहीं होती उनके साथ ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, पर उन्हें ये बात समझनी होगी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, बहू भी तो किसी घर की बेटी है। चलो अब खाना लगाओ, देखता हूँ और क्या कर सकता हूँ। मानव और उसका छोटा भाई मनोर दोनों खाने के लिए बैठे, साथ में देवयानी जी भी थी। निया ने बच्चों को पहले ही खाना खिला दिया था, फिर सबका खाना लगाई। मनोर निया को देखकर बोला, क्या बात है भाभी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आप तो हमेशा खिलखिलाती अच्छी लगती हैं। मानव हंसकर बोला, मायके ना जाने का दुख है, ये सब ये पता नहीं खाना कैसे बना होगा। निया मुस्कुरा दी। मनोर बोला, अरे हाँ माँ, जाना तो भाभी को मायके था और आप लोगों ने रानी को मायके भेज दिया। वो तो घर के काम ना करने के हर वक्त बहाने ढूंढती हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर गृहस्थी चलाना संभालना कब सीखेगी। देवयानी जी मुस्कुरा कर बोली, वही तो बेटा, उससे घर संभलेगा नहीं और बहू चली जाएगी तो घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मानव मुस्कुरा कर बोला, माँ यही बातें या कुछ और बातें, दोनों बहुओं में भेदभाव करना आपको शोभा नहीं देता। जब आप हम दोनों भाइयों में भेदभाव नहीं करती तो इन दोनों में क्यों करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मनोर की पत्नी को मायके नहीं जाना चाहिए, पर अभी कुछ महीने पहले वह लौट कर आई थी और निया साल में एक बार अपने मायके जाती हैं तो इसे रोक कर आपने इसके साथ अन्याय किया है। देवयानी जी खाना खाकर वहाँ से चली गई। मनोर मानव से बोला, भैया क्या बातें, लगता है आप और भाभी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मानव ने मनोर को पूरी बात बताई। मनोर बोला, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरह ससुराल में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, इस तरह तो मेरी पत्नी अपनी जिम्मेदारियों को कभी समझेगी ही नहीं। मुझे भाभी के लिए बुरा लग रहा है, अब हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा, वरना आपकी तो 11 साल
कट गई माँ और पत्नी के लालच में मेरा जीवन ना खराब हो जाए। करीब एक हफ्ते बाद मानव ने निया के जाने का टिकट करवाया। जब ये बात देवयानी जी को पता चली तो वह बोली, बड़ी बहू कैसे जा सकती है, अभी छोटी बहू भी घर में नहीं है, घर की देख रेख कौन करेगा। मानव बोला, माँ सुबह का नाश्ता हम बनाकर दफ्तर चले जाएंगे और रात का खाना बना कर रखिएगा, क्योंकि जब निया अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है तो उसे अपनी छुट्टियों को भी जीने का पूरा अधिकार है। और आपको अगर इतनी ही तकलीफ है तो छोटी बहू को वापस बुलवा लीजिए। निया जाने से पहले देवयानी जी को बोली, माँ जी आज रात तक का पूरा खाना बना दी हूँ, आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवयानी जी बोली, छोड़ो बहू, तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, ये मैंने देख लिया, यहाँ के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पहले भी तुम्हारे बिना ये घर चलता था। निया मुस्कुरा कर बोली, अगर ऐसी बात है तब तो मैं ज़्यादा दिन अपने मायके में रुक सकती हूँ, और इस बार मैं अपने मायके से ना तो कोई मसाला फल सब्जी और मिठाई कुछ नहीं लाऊंगी, क्योंकि आपको तो मेरे मायके की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। ठीक ही है, जब मैं समझौता कर सकती हूँ तो घर वाले भी तो कर लेंगे। इतना कहकर निया चली गई। उस रोज तो जैसे तैसे काम चल गया। अगले दिन देवयानी जी को ना तो कोई मसाला मिलता ना कोई दूसरी चीज मिलती। जैसे तैसे उन्होंने खाना बनाया। बेटों ने कहा, माँ लगता है आप खाना बनाना भूल गई, रहने दीजिए हम बाहर से ही कुछ खाना खा लेंगे। इतना कहकर दोनों दफ्तर चले गए। इधर देवयानी जी ने रानी को फोन किया और जब आने के लिए बोली तो रानी बोली, मम्मी जी भाभी वाहे नहीं, सारा काम मुझे करना पड़ेगा, आपसे तो कुछ होगा नहीं, और भाभी जितना समझौता मैं नहीं कर सकती, तो अभी आप अपने बेटों को खुद संभाल लीजिए। इतना कहकर रानी ने फोन रख दिया। देवयानी को एहसास हुआ कि थोड़े से लालच के कारण वह अपनी बड़ी बहू के साथ अपना रिश्ता खराब कर रही है और कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय कर रही थी। बहरहाल मनोर से माँ की हालत देखी नहीं गई और रानी को लेकर आया। समय बीत रहा था। रानी खूब तेल मसाले डालकर खाना पकाती थी। एक रोज देवयानी जी बोली, बहु मेरा बुढ़ापे का शरीर इतना तेल मसाला बर्दाश्त नहीं करेगा, कौन से मसाले डालती हो जिसे खाकर मेरी हालत खराब हो रही है। रानी बोली, मम्मी जी पहले वाले मसाले खत्म हो गए और ये मसाले बाजार से लेकर आई हूँ, मसाले तो भाभी वहाँ से बनवा कर लाती थी तब हम यहाँ खाते थे, भाभी इस बार मायके लेट से गई और यहाँ मसाले खत्म हो गए और मेरी भाभी से बात हुई, इस बार तो शायद वो मसाले नहीं ला रहे। देवयानी जी को लगा कि निया अभी भी उनसे नाराजी, इसलिए उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। एक शाम देवयानी जी ने निया को फोन किया और बोली, बहु मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, हर बार तुमसे ही उम्मीद करते थे कि तुम समझौता कर लोगी, जिसके कारण छोटी बहू को कुछ सिखा नहीं पाई। अब तुम बड़ी हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी देवरानी स्वरूप बहन को घर गृहस्थी की शिक्षा दो और मुझे अपनी पुरानी बातों के लिए माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं लगता। निया हंसकर बोली, मम्मी जी आपको मेरी याद आ रही है, मेरे मायके के मसालों की याद आ रही है, है कि काश कि आप ये पहले समझ पाती कि बड़ी बहू को भी मायके की याद आती है, और एक बहू को अगर बेटी बना कर रखा जाए तो क्यों कोई बहू अपनी सास को छोड़कर ज़्यादा दिन मायके में रहेगी। आखिर मायके से ज़्यादा हम ससुराल में वक्त बिताते तो कहीं ना कहीं सास से भी हमारा मन जुड़ जाता है, उनके बिना हमें भी अच्छा नहीं लगता। निया की बात सुनकर देवयानी जी की आँखें भर आई और उनकी बूझी हुई आवाज सुनकर निया बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, और आपने जैसे मुझे घर गृहस्थी की बारी की सिखाई उसे भी सिखाइए, देखिएगा एक दिन आपको रानी की कमी भी खलेगी
और उसके बिना भी आपका मन नहीं लगेगा। इतना कहकर दोनों सास बहू हंसने लगी। इस बार निया वक्त से पहले ही मायके से लौट आई। माना बोला, रही इतनी मेहनत करके तुम्हें मायके भेजा था और तुम समय से पहले लौट आई। निया मुस्कुरा कर बोली, जब एक सास माँ बनकर बहू को पुकारे तो बहू आने से कैसे इनकार कर सकती है। मानव ने निया को गले से लगाया और बोला, मुझे तुम पर गर्व है कि जैसे तुम अपने माँ बाप के लिए सोचती हो उसी तरह मेरे परिवार के लिए भी सोचती हो। तुम्हें वसन देता हुआ भी इस घर में तुम दोनों में से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ना किसी एक को कभी समझौता करना पड़ेगा। निया ने भी अपना भरोसा जताया और अपने परिवार के लिए अपना फर्ज निभाया। आगे चलकर धीरे धीरे रानी ने भी गृहस्थी की बारीकियां सीखी। अब एक समय पर कोई एक बहू ही मायके जाती थी। देवयानी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और अपने व्यवहार बदला। अब वह समझ चुकी थी कि पैसों से रिश्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पैसों से तो हर कोई कर देता है, मन और शरीर से जो करे वही अपने होते हैं।